वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्विज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्विज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा। और इस क्विज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्विज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली एंड GK करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्यूनस आयर्स ATP चैलेंजर्स में जीतने वाले पहले एशियाई व भारतीय खिलाड़ी बने हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, एलिसन फेलिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आधिकारिक रूप से कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को UN चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये संख्या है 12। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू कर रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है पेरू। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 20 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य को मिला है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल के थली संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ब्रह्मोस मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, फ्रेजर प्राइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी फैशन रिटेलर कंपनी ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, Forever 21 कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी,
सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षेपों से। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, डी विटामिन को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का भारतीय संघ में कब एकीकरण हुआ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 1961 में। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन बने ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।